दोस्तों, क्या आप एक ऐसी प्राइवेट बैंक की तलाश में हैं जो आपको कम ब्याज पर होम लोन दे सके, साथ ही जहां से कम ब्याज पर होम लोन मिलना आसान होने के साथ ही साथ ज्यादा होम लोन के लिए आवेदन कर सके? तो आपकी इस तलाश को पूरा करती है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, आज हम HDFC बैंक के होम लोन की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम HDFC बैंक के होम लोन की ना केवल बेसिक जानकारी देंगे, बल्कि इसके होम लोन की खासियत, ब्याज और चार्जेस के साथ ही साथ लोन प्रोडक्ट और योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि HDFC बैंक से होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और आप यहां से कैसे होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वीडियो के आखिरी में बात होगी कि लोन आवेदन करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज बहुत सी सरकारी या प्राइवेट बैंक के साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जो होम लोन देने का काम कर रही है, लेकिन देश की जानी मानी बैंक HDFC के होम लोन की बहुत सी खासियत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं HDFC होम लोन की कुछ खासियतों से। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, HDFC बैंक आपको बहुत कम ब्याज पर होम लोन उपलब्ध कराती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत की बात की जाए तो वो है ज्यादा होम लोन। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक ज्यादा होम लोन देने का भी दावा करती है। HDFC बैंक होम लोन की तीसरी खासियत की बात की जाए तो आप यहां से 10 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। इन सभी खासियतों के साथ ही साथ आपको इसके लोन प्रोडक्ट की भी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए होम लोन प्रोडक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो HDFC बैंक विभिन्न उपयोगों के लिए होम लोन प्रदान करती है और इसके होम लोन के बहुत से लोन वेरिएंट यानी प्रोडक्ट हैं। इनमें से पहला है HDFC होम परचेस लोन। जी हाँ दोस्तों, इस होम लोन प्रोडक्ट के अंतर्गत आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ ही साथ प्री ऑन्ड या रीसेल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए होम लोन ले सकते हैं। हालांकि आप होम लोन के इस प्रोडक्ट के अंतर्गत संपत्ति के आकलन के आधार पर 70-90% तक का ही लोन ले सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो है HDFC प्लॉट परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। बैंकिंग भाषा में इसे P+C लोन या कंपोजिट लोन कहा जाता है। यह लोन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो प्लॉट खरीदकर अपने मनपसंद मकान के निर्माण के लिए लोन लेना चाहते हैं। हालांकि इस लोन प्रोडक्ट के अंतर्गत लोन लेते समय आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि प्लॉट खरीदने के बाद HDFC बैंक कंस्ट्रक्शन के लिए जो राशि रिलीज करती है वो आपके मकान के निर्माण के पर किश्तों में रिलीज की जाती है, और जब तक आपके मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको ली गई ऋण राशि का ब्याज ही चुकाना पड़ता है। इसलिए इस तरह के लोन लेने से पहले सभी नियम व शर्तें अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। HDFC बैंक होम लोन के तीसरे प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो है होम एक्सटेंशन लोन। दोस्तों, यदि आपको आपके मकान में अतिरिक्त कमरे बनवाना हो या मकान के ऊपरी मंजिल के निर्माण के लिए होम लोन लेना हो, ऐसी ही जरूरतों को पूरा करता है HDFC बैंक का होम एक्सटेंशन लोन। इस लोन के अंतर्गत आप होने वाले निर्माण के खर्च का 70-90% तक का लोन ले सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो है HDFC बैंक होम रिनोवेशन या होम इम्प्रूवमेंट लोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आपके घर की मरम्मत करवाना हो या करना हो फ्लोरिंग को सुधारने का काम, आप इस प्रोडक्ट के अंतर्गत HDFC बैंक से होम लोन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, होम इम्प्रूवमेंट लोन के अंतर्गत आप ना केवल आप घर के रंगाई पुताई जैसे काम करवा सकते हैं, बल्कि आप घर के पूरे इंटीरियर को भी चेंज करवाने के लिए HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं। पांचवें होम लोन प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो है HDFC बैंक का बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉप अप लोन। दोस्तों, यदि आपका किसी दूसरी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है और आप उसे कम ब्याज का फायदा लेने के साथ ही साथ उस पर थोड़ा और अमाउंट चाहते हैं, तो आप HDFC बैंक से होम लोन बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह लोन आपको तभी मिल सकता है जब आपका वर्तमान होम लोन रेगुलर चल रहा हो। HDFC बैंक होम लोन का छठा प्रोडक्ट है HDFC बैंक इंटरेस्ट सेवर होम लोन। दोस्तों, यह होम लोन के ओवरड्राफ्ट जैसा लोन होता है। इसके अंतर्गत यदि आप HDFC बैंक के वर्तमान ग्राहक है तो आप उस पर ब्याज की राहत पाने के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो HDFC बैंक के यह 6 लोन प्रोडक्ट ही काफी पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा भी HDFC बैंक के अन्य प्रोडक्ट भी है, जैसे ब्रिज होम लोन, स्टेप अप होम लोन,
और प्लॉट लोन के साथ ही साथ रूरल होम लोन को भी एचडीएफसी बैंक ने अपने होम लोन प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन इस छोटी सी वीडियो में इन पर भी डिटेल में बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यदि आपको इन प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप एचडीएफसी बैंक लिखकर जिस प्रोडक्ट की डिटेल आप चाहते हैं उस प्रोडक्ट का नाम लिखकर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वैसे तो एचडीएफसी बैंक के हर होम लोन प्रोडक्ट की अलग अलग योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन हम आपको बेसिक क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप यह समझ पाए कि आपको कैसे और किन पैरामीटर के आधार पर लोन मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन से जुड़ी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने की सबसे पहली योग्यता है आपकी उम्र। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपकी अधिकतम आयु 70 साल भी चल सकती है। एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने की दूसरी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत आप सरकारी या प्राइवेट जॉब में होना आवश्यक है। इसी के साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो भी आप यहां से होम लोन ले सकते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं उस वर्तमान जॉब या बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी कम से कम 1 साल होना जरूरी है। इसी के साथ आपको आपके जॉब या बिजनेस का कम से कम 3 साल का अनुभव या स्टेबिलिटी होना जरूरी है। इनकम पैरामीटर की बात की जाए तो आप जिस भी जॉब में हैं वहां से आपकी सैलरी 15 से 20 हजार से ज्यादा होना चाहिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपकी वार्षिक आय 2 से 3 लाख से ज्यादा होना जरूरी है। इन सभी के अलावा सबसे जरूरी क्राइटेरिया है आपका सिविल स्कोर और यह कम से कम 750 होना जरूरी है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखें कि आपके होम लोन आवेदन की स्वीकृति पूरी तरह से एचडीएफसी बैंक के अधिकारों और आपके क्रेडिट स्कोर पर आधारित होती है। प्रॉपर्टी वैल्यू के क्राइटेरिया की बात की जाए तो यह बहुत हद तक आप किस तरह के होम लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। साथ ही आपको कितनी राशि का होम लोन चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप मकान बनाने, प्लॉट खरीदने या होम रिनोवेशन या इंप्रूवमेंट के लिए लोन ले रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 70 से 80% तक लोन मिल सकता है। वहीं आप मकान खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 से 90% लोन राशि मिल सकती है। दोस्तों इन सभी क्राइटेरिया के साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए यह भी आपकी प्रोफाइल, इनकम, क्रेडिट स्कोर और संपत्ति के आकलन के आधार पर निर्भर करता है। तो लोन अमाउंट के संबंध में लोन आवेदन के पूर्व समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक होम लोन की योग्यता शर्तों के साथ ही साथ आपको अब यह भी जान लेना चाहिए कि यदि आप एचडीएफसी बैंक होम लोन के लिए इलिजिबल हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की जानकारी के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आगे हम एचडीएफसी बैंक के होम लोन के ब्याज, चार्जेस और आवेदन की प्रक्रिया के साथ ही साथ होम लोन से जुड़ी सावधानियों पर बात करने वाले हैं। ऐसे में यदि अभी तक की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए और आगे की जानकारी देखने और सुनने से पहले एक लाइक जरूर करें। तो चलिए अब एचडीएफसी बैंक के होम लोन डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एचडीएफसी बैंक आपको बहुत ही सामान्य डॉक्यूमेंट के आधार पर होम लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट हर प्रोफाइल, इनकम और संपत्ति के साथ ही साथ आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो यहां हमारी रिक्वेस्ट है कि इन डॉक्यूमेंट की जानकारी ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हैं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट और इन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको आपके पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी के साथ पते के प्रमाण के रूप में भी इन्हीं डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं अथवा बिजली, पानी या टेलीफोन बिल आप दे सकते हैं। यहां से होम लोन लेने के लिए दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपके इनकम से जुड़े डॉक्यूमेंट और यह आपकी प्रोफाइल के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे यदि आप जॉब करते हैं तो आपको पिछले 3 महीने की पेस्लिप, फॉर्म नंबर 16 और सैलरी से जुड़े बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, एक पिछले 1 साल का स्टेटमेंट यहां से होम लोन के लिए देना जरूरी है। इसी के साथ यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो पिछले 3 साल के बिजनेस फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ ही साथ 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की भी कॉपी यहां देना होती है। ध्यान रखें कि जब भी आप बिजनेस से जुड़े या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं तो ये सभी डॉक्यूमेंट किसी सीए से सर्टिफाइड होना जरूरी है। बिजनेस से जुड़े इन डॉक्यूमेंट के साथ आपके बिजनेस के लाइसेंस की कॉपी, करंट और सेविंग अकाउंट का पिछले 1 साल का स्टेटमेंट
और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी भी आपको यहां से होम लोन लेने के लिए उपलब्ध कराना जरूरी है। वैसे यदि आपके पास इनकम के डॉक्यूमेंट नहीं है या आपके पास कम इनकम के डॉक्यूमेंट है तो भी आप होम लोन ले सकते हैं, बस आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति होम लोन के बारे में बताया है और आप यहां से कम या बिना इनकम डॉक्यूमेंट के होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों केवाईसी और इनकम डॉक्यूमेंट के अलावा आपको सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट देने होते हैं आपके संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, जो आपके लोन के प्रकार और लोन की राशि पर निर्भर करता है। जैसे यदि आप नया घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको सेल एग्रीमेंट, अलॉटमेंट की रसीद और डेवलपर या बिल्डर को किए गए भुगतान की रसीद देना होती है। इसी के साथ यदि आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट के साथ ही साथ संपत्ति के वर्तमान और पुरानी टाइटल डीड, जिसे चेन टाइटल कहा जाता है, HDFC बैंक में उपलब्ध कराने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आप जिस मकान मालिक से मकान खरीद रहे हैं उसे प्रारंभिक तौर पर किए गए भुगतान की रसीद भी आपको यहां देना होती है। इसके अलावा यदि आप मकान बनाने, इंप्रूवमेंट या होम एक्सटेंशन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको आपकी संपत्ति से जुड़े संपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड, पुरानी टाइटल डीड के साथ ही साथ नक्शा परमिशन आदि यहां देना होती है। इसके अलावा मकान के निर्माण के लिए लिए जाने वाले लोन के लिए आपको एक इंजीनियर द्वारा सत्यापित कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट भी HDFC बैंक से होम लोन लेने के लिए देना आवश्यक है। इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा आप मकान खरीदने या निर्माण के लिए अपनी तरफ से जो पैसा लगा रहे हैं उसका भी प्रूफ HDFC बैंक को देना होम लोन के लिए जरूरी है। दोस्तों मकान खरीदने या बनाने के लिए लोन में लगने वाले डॉक्यूमेंट की जानकारी के साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप HDFC बैंक से बैलेंस ट्रांसफर और टॉपअप के लिए लोन ले रहे हैं तो इसके दस्तावेज अलग होते हैं और इन दस्तावेजों के अंतर्गत आपके वर्तमान में चल रहे होम लोन का रीपेमेंट स्टेटमेंट यानी SOA के साथ ही साथ जो संपत्ति दस्तावेज आपने वर्तमान बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जमा करवाए हैं उसकी एक लिस्ट HDFC बैंक से होम लोन बैलेंस ट्रांसफर और टॉपअप लोन के लिए देना जरूरी है। इसी के साथ आपके होम लोन की बकाया राशि का सर्टिफिकेट, जिसे फोरक्लोजर लेटर कहा जाता है, वह भी HDFC बैंक को उपलब्ध कराना जरूरी है। यहां एक बात ध्यान रखें कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर और टॉपअप लोन के उपरोक्त तीनों दस्तावेज वर्तमान बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लेटर हेड पर सत्यापित होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो हमने यहां कोशिश की है कि आपको HDFC बैंक के होम लोन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट डिटेल में समझा सके, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि यह डॉक्यूमेंट आपकी प्रोफाइल, इनकम और संपत्ति के साथ ही साथ आप किस तरह का लोन और कितना लोन ले रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए आपको इन दस्तावेजों के अलावा कोई दस्तावेज HDFC बैंक द्वारा मांगा जाता है तो वो भी उपलब्ध कराना जरूरी होता है। वैसे अगर दस्तावेजों को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप HDFC बैंक होम लोन डॉक्यूमेंट लिखकर अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों HDFC बैंक के होम लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आपको यहां से लोन लेने पर लगने वाले ब्याज और चार्जेस के बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक होम लोन के ब्याज के संबंध में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप HDFC बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ होम लोन पर ब्याज की शुरुआत 8.75% से होती है। हालांकि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, इनकम, क्रेडिट स्कोर के साथ ही साथ आपकी संपत्ति और लिए जा रहे लोन के प्रकार के आधार पर तय होता है, मतलब कि इन सभी आधारों पर ब्याज का निर्धारण होता है और यह कम और ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए जब भी होम लोन के लिए आवेदन करें तो स्वीकृति के समय ब्याज के संबंध में अच्छे से पता कर लेना आपके लिए जरूरी होगा। ब्याज के साथ ही साथ आपको होम लोन लेने के लिए कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो चलिए उन चार्जेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। HDFC बैंक से होम लोन लेने पर आपको सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस चुकानी होती है और इसकी शुरुआत 1% से लेकर 2% तक हो सकती है। इसके अलावा आपको होम लोन अमाउंट पर स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाना होती है जो आपके लोन अमाउंट पर निर्भर करती है। दोस्तों इस प्रोसेसिंग फीस में भी बदलाव होता है और यह भी बैंक के अधिकारों पर निर्भर करता है। तो जब भी होम लोन के लिए आवेदन करें तो स्वीकृति के समय इस प्रोसेसिंग फीस की जांच कर लें। एक बात और, होम लोन प्रोसेसिंग फीस के साथ यह बैंक आपको इंश्योरेंस भी ऑफर करती है, जिसकी राशि आपकी इनकम, लोन अमाउंट और आपकी उम्र के आधार पर तय होती है। तो यह बीमा आपको लेना है या नहीं आपको ही तय करना होता है। इन सभी चार्जेस के अलावा होम लोन पर आपको अन्य खर्च भी वहन करना होते हैं, जैसे लीगल चार्जेस, मॉर्गेज फीस,
टेक्निकल फीस आदि। इसी के साथ होम लोन मिलने के बाद कई चार्जेस होते हैं जिसकी जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है, जैसे प्री क्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट चार्जेस और बाउंसिंग चार्जेस आदि। यदि आपको इन चार्जेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप HDFC बैंक होम लोन चार्जेस लिखकर कमेंट कर सकते हैं, हम इन चार्जेस की एक लिस्ट आपको उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों HDFC बैंक होम लोन से जुड़ी सभी जानकारियां मिलने के बाद वीडियो के आखिरी में बात करते हैं कि आप यहां से कैसे होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। लेकिन HDFC बैंक होम लोन के लिए आवेदन की जानकारी के पहले आपको एक विशेष जानकारी देना है कि दोस्तों ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से लाते हैं और यह सभी जानकारी लाने में हमको काफी रिसर्च और मेहनत भी करना होती है, ऐसे में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए HDFC बैंक होम लोन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप HDFC बैंक के होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के साथ ही साथ बताए गए डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करा सकते हैं तो आप यहां से होम लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने का तरीका बहुत ही सरल है, आप यहां तीन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इनमें पहला है डायरेक्ट HDFC बैंक की शाखा के माध्यम से। जी हां, आज देश की लगभग हर लोकेशन पर HDFC बैंक की शाखा मौजूद है, आप सीधे इन ब्रांचों में जाकर बताए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का दूसरा तरीका है ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक कुछ हद तक आपसे डिजिटल लोन आवेदन स्वीकार करती है, ऐसे में यदि आप चाहें तो आप यहाँ होम लोन के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी है, इस लिंक के माध्यम से आप सीधे होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। HDFC बैंक के होम लोन के आवेदन के तीसरे तरीके की बात करें तो वो है ग्राहक सेवा नंबर। जी हाँ, आप HDFC बैंक के कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-1600 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों लेकिन लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ सावधानियों को समझना भी बेहद जरूरी है, तो चलिए एक एक करके इन सावधानियों पर बात करते हैं। तो दोस्तों HDFC होम लोन लेते समय सबसे पहली सावधानी रखना जरूरी है, वो है कि हमने इस वीडियो में आपको HDFC बैंक के होम लोन से जुड़ी योग्यता, ब्याज और चार्जेस के बारे में बताया है। तो ध्यान रखें, लोन की स्वीकृति का निर्णय पूरी तरह से HDFC बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है और यह आपकी प्रोफाइल, इनकम और सिविल स्कोर के साथ ही साथ प्रॉपर्टी के आकलन के आधार पर तय होता है और इन्हीं सब आधारों पर ब्याज और चार्जेस का भी निर्धारण होता है। तो लोन आवेदन के पूर्व ब्याज, चार्जेस और योग्यता के बारे में पहले जानकारी ले लेना आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात कि इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने विभिन्न सोर्स और HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है और HDFC बैंक इसमें समय समय पर बदलाव भी कर सकती है, इसलिए यदि आप यह जानकारी वीडियो पब्लिश होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो सभी जानकारियां एक बार फिर से चेक कर ले या इस वीडियो के नीचे HDFC बैंक होम लोन अपडेट लिखकर कमेंट कर दे ताकि इस जानकारियों में यदि कोई बदलाव हुआ हो तो उसकी जानकारी हम आपको कमेंट के माध्यम से ही दे पाए। HDFC होम लोन से जुड़ी तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी यह है कि दोस्तों ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम आपको आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से लाते हैं ताकि आप आसानी से किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के होम लोन के विषय में सही निर्णय ले सके। ऐसे में हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लाने का हमारा मकसद आपको सही जानकारी देना है, ना कि किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का प्रचार या प्रसार करना है और ना ही HDFC बैंक ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। तो सभी जानकारियों के आधार पर यदि आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो अपने विवेक से निर्णय लेना आपके लिए ठीक होगा। तो दोस्तों ये थी HDFC बैंक के होम लोन की संपूर्ण जानकारी। तो यदि आप भी कम ब्याज पर और ज्यादा होम लोन लेना चाहते हैं तो HDFC बैंक होम लोन अच्छा विकल्प हो सकता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी होम लोन लेना चाहता हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। वीडियो पूरा देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।